भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री आलोक द्विवेदी जी, उनको सम्मान चिन्ह माला एवं एंटी करप्शन कमेटी की डायरी। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। मैं गोविंद गुप्ता, इस वक्त मैं बोरीबली में हूँ। आज नेताजी की एंटी करप्शन कमेटी, जो आज के 23वां वर्धापन दिवस पे इन्होंने भव्य एक पार्टी कार्यकर्ताओं का मिलन सम्मेलन रखा है। आइए जानते हैं कि आजकल हमारे युवा पूरे देश में बेरोजगार रह जाए, तो नेताजी का अपना एंटी करप्शन कमेटी उस पर क्या कर रही है, आइए जानते हैं। मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति। मैं जनता से आह्वान करता हूँ, करप्शन अत्याचार आज चरम सीमा पे। जैसे इंसान का जब फीवर बढ़ता है 102, 100 रहता है तो कोई टेंशन नहीं, 102 बढ़ते ही वो पागल हो जाता है। डॉक्टर बोलता है कि ये रेड लाइन पर हो गई। आज करप्शन की जो रेड लाइन है वो लास्ट चल रही है और लास्ट में लोग परेशान हैं। आज देखिए किस तरह से हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को एक ही है कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे। आज वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एग्जाम देते हैं और पेपर बिक जा रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि मैं एक लॉ लाऊंगा, नियम बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा। कानून बनाती नहीं है, कर वादा करती है। हमारे प्रधान साहब शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्र के शिक्षा मंत्री है, रहने उड़ीसा के हैं, उनको नीट की परीक्षा के बारे में लोगों ने मुलाकात किया कि निरस्त कर दिया। आज वो बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हैं, निरस्त कर देते, नया एग्जाम होता, करप्शन दूर होता, क्राइम दूर। आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 30 साल के, 24 साल के, 22 साल के, उनको आज बेरोजगार है। आज हमारे देखिए 3 लाख हमारे पास से 34,000 पुलिस के लिए पद जो भरे जा रहे हैं, 70 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। अब 70 लाख कहाँ से आवेदन का, कितना आया, 4 करोड़ रुपये खाली फॉर्म का पैसा आया गवर्नमेंट को। आप बताइए, लोग 70 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं परीक्षा के लिए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीड कोर्ट से मांग करता हूँ, आप बोलते 10 लाख हमारी नौकरियाँ खाली पड़ी है सेंटर में, भर दो। रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है 10 साल से, पोस्ट में भर्ती नहीं हुई है, महानगर निगम, टेलीफोन निगम, निगम ये ध्वस्त हो गया, BSNL ध्वस्त हो गया। आज जो लाइन 24 आवर्स चालू होती थी, आज उसके लोग बेरोजगार हो गए, उसके कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। आप लोगों को नौकरी मिल रही है, आप उनको रिटायर कर रहे हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट बिक गया। आज जो प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस है और कंपनियां हैं, आप से ही लेकर के और वो फर्स्ट में चल रही है, और आप जो एम्प्लॉयर है BSNL वो डूब जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ कि बेरोजगारी बढ़ रही है। आज देखिए हमारे पास इतना बड़ा पेट्रोल पंप काठकोपर में चल रहा था 10 साल से, इलीगल चल रहा था, जमीन किसकी है, MRDA की है, रेलवे ने उसको एक्वायर कर लिया। हमारे केसर खालिद साहब CP थे, रेलवे के परमिशन दे दिया, अब पार्टनर बन गए वो, और विदाउट परमिशन वो उसका ओपनिंग किया गया, चल रहा था। और जब डैमेज हो गया, डैमेज मीन्स जिस दिन वह बारिश के समय में, अब बताइए वो बोर्ड गिर जा रहा है, 500 एक्सपायर हो जा रहे हैं। गवर्नमेंट बोलते हैं कि 50 लोग मरे, 20 लोग मरे, 30 लोग मरे, लेकिन शिंदे साहब हमारे जो मास्टर CM है वो गए थे दौरा पर, जब 13/5/24 को नरेंद्र मोदी जी आए थे, डिप्टी CM थे, CM थे, दोनों तीनों नहीं गए। ये देते कुछ नहीं है, देते घर लेते हैं, सहानुभूति करने के होते। हमारी बेटियां, बहनें, माताएं, हमारे सभी भाई बंधु की डेथ हो गई है, वो परिवार आज इतना परेशान है। आप खाली पंतनगर में घूम रहे हो, आपको वोट की चिंता है, आप
चुनाव मंत्री है, प्रधानमंत्री है, लेकिन जो गरीब हमारे लोगों की जो हत्याएं हो गई, गिर गए, मर गए, हमारे पास एयरपोर्ट से लोग पेट्रोल डीजल लेने गए थे, उन नीचे मर गए, हमारी बेटियां मर गई, महिलाएं मर गए। अगर मोदी जी वहां गए होते तो सांत्वना मिलती कि नहीं, पीएम जी चाहते हैं गरीबों का दुख दर्द उठाएंगे, लोगों को मुआवजा देंगे। 500 लोग मर गए, कितना मुआवजा दिया आपने, जिसके वजह से पतन हो गया, आपने अपने सांसद का टिकट काट दिया, नहीं कुछ टिकट दिया, हार गए। तो हमारे ये काम है कि जो बेरोजगारी चल रही है, बेरोजगारी को खत्म करें, जैसे रेलवे में, पोस्ट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो गंभीर पदे खाली पड़े हैं, आज हमारे पास 64 लाख जो पदे खाली पड़े हैं, आज अगर उनको अपॉइंट करेंगे, पूरे इंडिया में अपॉइंट करेंगे, बेरोजगारी कम होगी, दूर दूर कम होगी, आप फंडिंग दें उनको। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया.24। मैं गोविंद गुप्ता, इस वक्त मैं बोरीबली में हूँ। आज नेताजी के एंटी करप्शन कमेटी, जो आज के 23वां वर्धापन दिवस पे इन्होंने भव्य एक पार्टी कार्यकर्ताओं का मिलन सम्मेलन रखा है। आइए जानते हैं कि आजकल हमारे युवा पूरे देश में बेरोजगार हैं, तो नेताजी का अपना एंटी करप्शन कमेटी उस पर क्या कर रही है, आइए जानते हैं। मैं रविंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूल समिति। मैं जनता से आह्वान करता हूँ, करप्शन अत्याचार आज चरम सीमा पे। जैसे इंसान का जब फीवर बढ़ता है 102, 100 रहता है तो कोई टेंशन नहीं, 102 बढ़ते ही वो पागल हो जाता है, डॉक्टर बोलता है कि ये रेड लाइन ऊपर हो गई। आज करप्शन की जो रेड लाइन है वो लास्ट चल रही है और लास्ट में लोग परेशान हैं। आज देखिए किस तरह से हमारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आज हमारे बच्चों को एक ही है कि हम गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे। आज वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, एग्जाम देते हैं और पेपर लीक जा रहे हैं। गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ये कि लॉ लाऊंगा, नियम बनाऊंगा, कानून बनाऊंगा, कानून बनाती नहीं है, कर वादा करती है। हमारे प्रधान साहब शिक्षा मंत्री जो हैं, केंद्र की शिक्षा मंत्री रहने उड़ीसा के हैं, उनको नीट की परीक्षा के बारे में लोगों ने मुलाकात किया कि उसको निरस्त कर दो। आज वो बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हैं, निरस्त कर देते, नया एग्जाम होता, करप्शन दूर होता, क्राइम दूर। आज हमारे जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 30 साल के, 24 साल के, 22 साल के, उनको आज बेरोजगार है। आज हमारे देखिए 3 लाख हमारे पास 34,000 पुलिस के लिए पद जो भरे जा रहे हैं, 70 लाख लोगों ने आवेदन दिया है। अब 70 लाख कहाँ से आवेदन का, कितना आया, 4 करोड़ रुपये खाली फॉर्म का पैसा आया गवर्नमेंट को। आप बताइए लोग 70 लाख लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं परीक्षा के लिए। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीड कोर्ट से मांग करता हूँ, आप बोलते हैं 10 लाख हमारी नौकरियाँ खाली पड़ी है सेंटर में, भर दो। रेलवे में भर्ती नहीं हो रही है 10 साल से, पोस्ट में भर्ती नहीं हुई है, महानगर निगम, टेलीफोन निगम, निगम ये ध्वस्त हो गया, BSNL ध्वस्त हो गया। आज जो लाइन 24 आवर्स चालू होती थी, आज के लोग बेरोजगार हो गए, उसके कार्यकर्ता बेरोजगार हो गए। आज लोगों को नौकरी मिल रही है, आप उनको रिटायर कर रहे हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट डूब गया। आज जो प्राइवेट कंपनियां हैं, रिलायंस है और कंपनियां हैं, आप से ही लेकर के और वो फर्स्ट में चलेंगे, और आप जो एम्प्लॉयर है BSNL वो डूब जा रहा है। तो मैं ये मांग करता हूँ जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देखिए हमारे पास इतना बड़ा पेट्रोल पंप घाटकोपर में चल रहा था 10 साल से, इलीगल चल रहा था, जमीन किसकी है, MRDA की है, रेलवे ने उसको एक्वायर कर लिया। हमारे केसर खालिद साहब CP थे, रेलवे के परमिशन दे दिया, अब पार्टनर बन गए वो, और विदाउट परमिशन वो उसका ओपनिंग किया गया, चल रहा था। और जब डैमेज हो गया
डैमेज मीन्स ये दिन वह बारिश के समय में, अब बताइए वह बोर्ड गिर जा रहा है, 500 एक्सपायर हो जा रहे हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं कि 50 लोग मरे, 20 लोग मरे, 30 लोग मरे। एक राज शिंदे साहब हमारे जो महाराष्ट्र सीएम है वो गए थे दौरा पर, जब 13/5/24 को नरेंद्र मोदी जी आए थे, डिप्टी सीएम थे, सीएम थे, दोनों तीनों ने गए, ये देते कुछ नहीं है, देते घर लेते हैं, सहानुभूति करने के होते, हमारी बेटियां बहने माताएं हमारे हमारे सभी भाई बंधुओं की डेथ हो गई है, वो परिवार आज इतना परेशान है, आप खाली पंतनगर में घूम रहे हो, आपको वोट की चिंता है, आप चुनाव मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो गरीब हमारे की जो हत्याएं हो गई, गिर गए, मर गए, हमारे पास एयरपोर्ट से लोग पेट्रोल डीजल लेने गए थे, उन लोग बिजली मर गए, हमारी बेटियां मर गई, महिलाएं मर गए, अगर मोदी जी वहां गए होते एक सांत्वना मिलती कि नहीं, पीएम जी चाहते हैं गरीबों का दुख दर्द उठाएंगे, लोगों को मुआवजा देंगे, 500 लोग मर गए, कितना मुआवजा दिया आपने, जिसकी वजह से पतन हो गया, आपने अपने सांसद का टिकट काट दिया, नहीं कुछ टिकट दिया, हार गए, तो हमारे ये काम है कि जो बेरोजगारी चल रही है बेरोजगारी को खत्म करे, रेलवे में, पोस्ट में, हेल्थ में, एजुकेशन में, जो गवर्नमेंट पदे खाली पड़े हैं, आज हमारे पास 64 लाख जो पदे खाली पड़े हैं, आज अगर उनको अपॉइंट करेंगे पूरे इंडिया में अपॉइंट करेंगे, बेरोजगारी कम होगी, दूर से जो कम होगी, आप फंडिंग दें उनको। हमारे पूजनीय महात्मा जी संत जी सदानंद महाराज जी, एंटी करप्शन समिति में जो महाराज जी आप आज आ जाए, क्या आप विचारों से आए? हमारा पुराना एंटी करप्शन कमेटी और हमारे जो नेता जी हैं उनसे बहुत बड़ा पुराना प्रेम है और घर जैसा संबंध है, और हमारा भी कोई भी आश्रम का कार्य कुछ कभी भी कुछ होता है, कोई तकलीफ होती है तो आधी रात को नेताजी हमारे आकर के हमारी कार्य को सफल करते हैं, इसके लिए आया हूँ। और एंटी करप्शन मतलब जो भ्रष्टाचार निर्मूल समिति है, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनके ऊपर जो कार्य होता है उससे हम बड़ा प्रसन्न हैं और हम आशीर्वाद देते हैं नेताजी को कि खूब दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी तरक्की हो और उनकी कमेटी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होते रहे, भ्रष्टाचार निर्मूल के ऊपर कार्य करता रहे, ऐसा हमारा गौ माता से प्रार्थना है, हमारा भगवान हनुमान जी से प्रार्थना है, और हमारा खूब आशीर्वाद है इनको कि आगे बढ़ते रहे उस कार्य में। जय गौ माता, जय। श्री सुनील साह जी।